जयपुर में दिन की शुरुआत मंदिर के साथ, और ये है हमारी फ्रेंड एना जो जयपुर में रहती है, तो शी ब्रॉट अस टू अ टेंपल। और आज का नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है टेंपल से। ये जो टेंपल है 400 इयर्स ओल्ड टेंपल है, और ये जो प्रॉपर्टी है ये पूरी प्रॉपर्टी एना और एना की फैमिली की है। जो टेंपल है ग्राउंड फ्लोर पे है और ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। दिस टेंपल व्हिच इज लाइक 400 इयर्स ओल्ड टेंपल। सुबह सुबह का वाइब बहुत ही प्यारा वाइब है, मजा आ गया। दिन की शुरुआत जब मंदिर से होती है तो दिन हमेशा ही अच्छा जाता है। मंदिर के दर्शन करने के बाद एना के घर में नॉर्थ इंडियन टिपिकल ब्रेकफास्ट, जहाँ पे समोसे, कचौड़ी, प्याज के पकोड़े थे, मिर्ची पकोड़े थे, आमलू के लिए वड़ा पाव, बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट था। और ये मेरा स्पेशल प्याज की कचौड़ी। इसके बाद भी हम लोगों ने डिसाइड करा कि सिटी घूमें, थोड़ा एक्सप्लोर करें। तो ये चीज नॉर्मल है यहाँ पे अपने इंडिया में, चाहे आप दिल्ली चले जाओ, यूपी चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, दीज ऑल आर नॉर्मल। So finally, where are we going? We are going for shopping, right? We are going for shopping. Shopping. To the local markets, the oldest markets. And then today is Muharram, so what we heard is most of the places will be closed today due to this Muharram festival of the Muslims. No, it is not going to be a shutdown completely. But there will be. They will close many, before many time, roads, maybe. Yeah. So let's see what all places we can visit. These are the ज्वेलरी की गद्दियाँ नहीं होती है, में गद्दियाँ रहती हैं। तो फिलहाल अब आ चुके हैं हम लोग मेन रोड की तरफ आ गए हैं। व्हिच बाजार? चांदपुर। चांदपुर बाजार। व्हाट हैपेंड टू हिम? एंड ही हैज स्टॉप्ड टू ड्रिंक वाटर। या ही वांट्स टू ड्रिंक वाटर। नो 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 नो। ओके, जयपुर का पिंक सिटी आप देख सकते हो, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स आर कलर्ड इन पिंक, दैट लुक्स नाइस। बट गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। समर्स और राजस्थान की गर्मी अगर कंपेयर करें तो दुबई से थोड़ी सी कम है, बट है अच्छी खासी गर्मी यहाँ। क्राउडेड दिल्ली वगैरह में होता है। See, all these buildings are in pink color, right? The traffic as compared to every day is less than 50%. Yeah. Otherwise, because of all these, no? Yeah. All these tents that they have put, all these are for those, the procession in the evening. You know, I'm very much impressed with all these buildings. ऑलमोस्ट किले वाली फीलिंग आ रही है। सो इफ यू सी दैट गेट अप देयर, हां, व्हेन जयपुर वाज बिल्ट, हां, देयर आर सेवरल गेट्स। ओके, सो दीस गेट्स यूज्ड टू ग्लो दैट लाइट, दिस यूज्ड टू बी द सिटी। ओके, फ्रॉम इन्वेजन ऑफ एनी एनिमी। लेटर ऑन व्हेन द सिटी डेवलप्ड एंड इट एक्सटेंडेड अप लाइक दिस, देन दिस गॉट ग्लोइंग। हम लोग आ चुके हैं बाबू बाज़ार, और यहाँ पे हम लोग को कुछ करनी है शॉपिंग, तो हिना लेके आई है बाबू बाज़ार। सो लेट्स डू सम शॉपिंग नाउ। दिस इज द बाज़ार, ये एक शॉप यहाँ पे आ गई है। ये तो जैसे सैनी में है, वो उपयोग वाले की।
शॉपिंग करने के बाद भाई फिर हमने थोड़ा सा स्ट्रीट फूड एंजॉय करा। यहाँ पे आप देख सकते हो बन रहा है फालूदा, कुल्फ़ी फालूदा और रबड़ी कुल्फ़ी फालूदा। तो हम लोग के लिए रबड़ी कुल्फ़ी फालूदा और एना ने नॉर्मल कुल्फ़ी फालूदा बनाया एंड दे बोथ आर एंजॉयिंग। उसके बाद हमने ट्राई करा गोलगप्पे, और ये गोलगप्पों की खास बात ये थी कि ये सूजी वाले नहीं थे, ये दाल से बने हुए गोलगप्पे थे जो यार वो डालते ही ना मेल्ट हो जाते थे। इट वॉज अमेजिंग टेस्टी। एंड देन फिर शाम को मैंने और हम लोगों ने डिसाइड करा वी विल गो एंड हैव अ लस्सी। यहाँ पे एक फेमस लस्सी वाला है उधर MI रोड पे, और वहाँ पे जाके लस्सी वाला के उधर जाके वो लस्सियाँ हमने ट्राई करी। बहुत ही गाढ़ी हेवी लस्सी थी एंड शायद इसीलिए वो लोग फेमस भी हैं। साथ में फिर हम लोगों ने लस्सी के साथ वहीं पे ही टिक्की चाट भी मिलती है, तो उधर का टिक्की चाट भी ट्राई करा। बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी, क्रिस्पी थे टिक्की जो थे, क्रिस्पी थे। साथ में चाट में उन्होंने छोले की सब्ज़ी वगैरह डाली, सॉल्ट। तो इनफैक्ट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टिक्कीज आई हैव ट्राइड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। दुबई में ऐसी टिक्कियाँ नहीं मिलती। तो ये जो था ये फूड हमने वहाँ पे एक्सप्लोर करा ऑन द सेकंड डे। हेलो, നമ്മൾ ഇപ്പോ ഇരിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്നറിയോ? MI റോഡ് ജയ്പൂരിലുള്ള എന്തെന്നതിൻ്റെ പേര് ലസ്സി വാല, അതായത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആൻഡ് ഓൾഡസ്റ്റ് ലസ്സി വാല. ലസ്സി കഴിച്ചു, അടിപൊളിയാണ്, അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നലെ കഴിച്ച ലസ്സി എടുത്ത് വന്നില്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് മേടിച്ച സാധനം ഇതാ ആലു ടിക്കി. നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, ചട്ടപ്പട്ടാണ്. So how old is this shop? Yeah. How old is this shop? 45, I think. 45, wow. Okay sir, thank you. അപ്പം ടിക്കി ചാട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലസ്സിയും കുടിച്ച്. നല്ല ഈ ഏരിയ ഇച്ചിരി എനിക്ക് ബെറ്റർ ഫീൽ ചെയ്ത്. നമ്മൾ ഹോട്ടൽ എടുത്ത ഏരിയ ഭയങ്കര ക്രൗഡഡാണ്, ബട്ട് ഈ ഏരിയ ഒരു നല്ല കാം ഏരിയയാണ്. ഒത്തിരി ക്രൗഡും ഇല്ല, ഒരു ക്ലീൻ ആണ് ഈ ഏരിയ, ഭയങ്കര കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ക്ലീൻ ആണ്. ക്ലീനാണ് ഈ ഏരിയ. അതായിരുന്നു ലസ്സി വലതേ കാമാണ്, ഫോർഡ് ലസ്സി വല. പിന്നെ ഇവിടെ ഒത്തിരി ഷോപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. 45 ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആണ് ലസ്സി വല ഷോപ്പ്. ഇവിടെ റീമെൻഡിഡും കടയുണ്ട്. ഒരു പിന്നെ നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ഐസ്ക്രീം കട ഉണ്ട്, പിന്നെ ഹൽദിറാംസ് അല്ല ലാലാ റാംസ്. അത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത്, ലാലാ റാംസ്. ഇവിടെ ഒരു ബോഡി ഷോപ്പിൻ്റെ കട കണ്ടാൽ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറണം, റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ചലഞ്ചാണ് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. ചലഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, എളുപ്പം പറ്റും. കൈ എന്നെ പിടിച്ചു. ആ കൈ പിടിച്ചു. അപ്പം നമ്മൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം വീഡിയോ എടുക്കാം അവിടെ. അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നോക്കണം നമുക്ക്. നീ അത് മറന്നുപോയോ? വൺവേ അല്ല ഇത്, വൺവേ റോഡ് ആണ് പേരിന് വേണ്ടി. കുഴപ്പമില്ല, ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത്. Yeah, they have certain shampoo, but those are like 100% natural.
and we are a brand. We are 94.5% natural. 5% yeah, there are some preservatives, but because everything can't be 100% natural. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബോഡി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് എത്ര 3000 ഓൾമോസ്റ്റ് 3000 പല്ലാണെങ്കിൽ പല്ലാണെങ്കിൽ എടുത്തോണ്ട് എനിക്ക് ഒരു 3500 രൂപ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു ഇവിടെ എല്ലാം ചുറ്റിക്കിറങ്ങി കണ്ട് എന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ റൂമിലോട്ട് പോവാണ് നാളെ മോർണിംഗ് ഞാൻ ഈ ഫോർട്ടൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇവിടുത്തേക്ക് സൈറ്റ് സീയിങ് ഒക്കെ നാളെ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം ഹലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റോട് കൂടിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫേമസ് റെസ്റ്റോറൻ്റായ ഏതോ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ലോക്കൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ബേഡ്മി പൂരി കഴിക്കാൻ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ബേഡ്മി പൂരി പാവ്ഭാജി പിന്നെ മൂന്ന് ലസ്സി ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ഇത് അതു അസുഖൻ ഇത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പ് ഔട്ട്സ്കേർട്സ് ഒക്കെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാനും അതെല്ലാം കാണാനും ആണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈജിപ്ഷ്യൻസ് ലസ്സി സാൻഡ്വിച്ച് ഒപ്പം നമ്മള് ഇത് ഇതാണ് ആലു കറി ആലു കഷേതിന് എല്ലാം വന്നു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പാവ് ഭാജി പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ബണ്ണ് ചെറുതാണ് അഫ്ഗാനിൽ ജയങ്കേ നാഹർഗഢ് ഫോർട്ട് പേലെ ഊപ്പർ ജാദാ ലംബ ലോങ് ഹൈ ഉസ്കാ ദിഖാ രഹാ ഹൂം ആപ്കോ अच्छा पहले एटीएम पे रोकना है इसको वो रास्ते में रोक कौन सा एटीएम में वॉट कोई सही चलेगा तो कहां पे सबसे पहले नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर की सड़कें दैट इज त्रिपोलिया बाजार ये दिव्य कुमारी निकलती सर यहां से वो निकलती हां खाली जाने अच्छा जो इधर की जो प्रिंसेस वगैरह ओके ओके डिप्टी सीएम भी है बाकी पब्लिक को अलाउड नहीं है पब्लिक करो पब्लिक दूसरे एंट्रेंस से अलाउड है पार्टली आतिश मार्केट ये है भाई आतिश मार्केट इनसाइड अभी कुछ खुला नहीं है बाजार अभी टाइम हो रहा है 9:30 के आसपास हो रहे हो 10 बज रहे हो 9:30 बजे अच्छा 11 बजे खुलता है मार्केट सब बहुत साल पहले बना हुआ है ना राजा के टाइम पे बना हुआ है सब सही है यार जयपुर इज नेम्ड ऑन द किंग जय सिंह हां जय मान सिंह राइट जय सिंह सवाई मान सिंह वाज डिफरेंट ओके जय सिंह वाज द रूलर अंडर हुज नेम दिस सिटी इज जयपुर ओके आमिर में सर याद करनी पड़ेगी ये विकिपीडिया देखना पड़ेगा हाँ सर आप कुछ बोल रहे थे आमेर में 352 मंदिर है 352 मंदिर है उसको छोटा काशी भी बोला जाता है और आमेर का पहला नाम था अम्बेश्वर माँ महादेव जी का मंदिर भी है वहाँ अम्बेश्वर इसके अंदर नहीं जाना था हवा महल जा सकते हैं अच्छा गवर्नमेंट ऑफिस है समथिंग से नाउ ईमान फैलाते थे लोगों को सच्चाई के रास्ते में बताते थे उन्होंने क्या धोखे से सुन्नियों ने
सुन्नी होते हैं और शिया होते हैं। हाँ, सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम। हाँ, तो सुन्नियों ने उनको, शियाओं ने मार दिया था उनको। ओके। तो उसको पश्चाताप में ये बनाया जाता है, बनाया जाता है कि हमने क्यों मारा उनको। ओके ओके ओके। ये मातम होता है एक तरह का। ओके। तो इसमें एक्चुअली आप लोग कैसे, मतलब दुख प्रकट करते हैं ढोल बजा के, ये बना के कि हमारी गलती होगी, हमने इनको मार दिया। उसमें ये भी होता है कि भाई मोहरम बनाते कुछ विश मांगते हैं ना जी, वो पूरी हो जाते हैं। तो पांच, एक नारियल उठाते हैं, विश मांगते हैं, वो पूरी हो जाती है, तो फिर पांच नारियल चढ़ाना पड़ता है। जिसकी शादी नहीं होती है उसको एक सहरा उठाना पड़ता है। ओके। तो फिर शादी हो जाती है, फिर सहरा पुराना भी चढ़ाना पड़ता है और नया भी चढ़ाना पड़ता है, मन्नत होती है, वो पूरी हो जाती है। मोहरम के बारे में मुझे पहले नहीं पता था, आगे करबला शरीफ है। okay. करबला शरीफ में उनको दफनाया जाता है। okay, okay, इतना बड़ा खाता वो खड्डा करना पड़ता है। okay. इसलिए कल जो थी यहाँ पे मोस्टली दुकानें वगैरह बंद थी, पूरा मार्केट मार्केट वगैरह बंद था। ओके, सामने ये गेट क्या है? ये सर जोरावर सिंह गेट है। जोरावर सिंह गेट। हाँ, जोरावर सिंह एक सैनिक का नाम था जो काफी बलशाली था, उसमें एक हाथी की ताकत थी और उसने चलाई थी जेवान तोप चलाई थी। ओके। जेवान तोप इतनी भयानक की, उसका विस्फोट था जो 33 किलोमीटर बाहर चाकसू में जाके पड़ा, अभी भी वहाँ पानी का कुंड बना हुआ है, और विस्फोट के कारण जोरावर सिंह का देहांत हो गया, तो वहीं खत्म हो गया, इतना तेज विस्फोट था वहाँ। ओके। और उसके नाम से ही ये गेट बनाया गया, गेट बनाया गया। हाँ, यादगार है उसकी। नाइस नाइस, बहुत अच्छी बात है। ये सब ट्रेडिशनल मार्केट है सारा, गलीचा वगैरह, स्टोन वगैरह। जयपुर में आए हो तो जयपुर का स्टोन नंबर वन पे है, और विदेशों में सप्लाई होता है। सेकंड नंबर पे आता है सर यहाँ का मूर्ति, मूर्तियाँ। हाँ, संगे मार्बल की मूर्ति जो मकराना से और किशनगढ़ से मार्बल आता है ना। मेरे ख्याल से जो अपना इधर अयोध्या में जो मंदिर वगैरह बना है वो इधर से ही, मेरे ख्याल से उसका लाल पत्थर और मकराना का मार्बल वो यहीं से गया है। और थर्ड नंबर पे आता है सर यहाँ का गलीचा, जो यहाँ का अंग्रेज बहुत लाइक करता है, बाहर से अंग्रेज आते हैं। इसके अंदर बना हुआ है बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल जयगढ़, नाटगढ़, आमेर तीनों को सिक्योरिटी प्रदान करता है। okay. उसमें पहले सैनिक खड़ा होते थे और छोटे छोटे तोपों द्वारा, बंदूकों द्वारा उसकी रक्षा के लिए सैनिक दुश्मनों से क्योंकि जो नीचे की चीज है, नीचे कोई वार करेगा बम गोले तार से तो वो ऊपर नहीं जा पाएगा, ऊपर से कोई पहाड़ करेंगे ना जैसे बंदूक से गोले से तो वो तुरंत आता है। एरिया बड़ा अच्छा लग रहा है, पूरा ग्रीन है ये एरिया। ऑन द राइट इज जल महल, ये राइट एंड पे जल महल है। यू विल आगे राइट हैंड साइड पे आया था कनक घाटी, जहाँ जोधा भाई घूमने आया करती थी, तो मूवी शूटिंग हुई थी ना घूंघट के आड़ से, वो यहीं हुई थी घूंघट के आड़ से। यहाँ वेडिंग के लिए लोग ज्यादा आते हैं, पत्रिका गेट हुआ, ये कनक घाटी हुई। आमिर और जूही थे ना उसमें? हाँ, आमिर और जूही। सिटी से बाहर आ गए हैं ना? हाँ सर, दिल्ली, आप यहाँ दिल्ली रोड पास में। अच्छा, ये ऊपर भी कुछ फोर्ट है ना? हाँ, वो नारगढ़ फोर्ट है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, नारगढ़ का मतलब शेर। निगरानी रखता था सब तक। पहुँचने वाले हैं मतलब? हाँ, ये ऊपर है मोस्ट, अभी 10 किलोमीटर। अच्छा, 10 किलोमीटर सही किसी बनाया था। यहाँ पे राजा की 9 रानियाँ रहती थी। राजा लोग ना बहुत नजर कर, पहले लोग बहुत आते थे, नहीं तो वहाँ पे कबूतर वगैरह आते थे। यहाँ पे बनाया गया वैक्स म्यूजियम, यहाँ पे शीश महल बनाया गया नया, अब्दुल कलाम वगैरह वगैरह मूर्तियाँ वगैरह बनाई हुई वहाँ पे। okay. जादूगर है, कठपुतली का डांस है। okay. पिकनिक के लिए। हाँ, यहाँ पे मंदिर है चरण मंदिर, जहाँ बकरे की बलि दी जाती है और दारू का भोग चढ़ाया जाता है, ये राजपूतों में। ओके। हाँ, एक मंदिर वहाँ पे है आमेर का, शिला देवी के ऊपर, वहाँ भी यही होता है। ये पहली बार मुझे पता चला।
remember that we three went to the Horsley Hill. Horsley Hill, but we couldn't reach. We couldn't find it. We couldn't find the hill. Yeah. We came back. That was some time. The Jal Mahal. रास्ते में ड्राइवर भाई ने रोका है, कहा यहाँ से नीचे का नज़ारा बहुत ही मस्त है, तो चल के देखते हैं। वाकई में ओ होए 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 होए, पूरा सिटी है यहाँ से नज़र आ रहा है। हाँ, पीकॉक्स की आवाज़ आई। हाँ, ये Look out the view, guys. Look Come out. Here. Super view. Something. Oh. Hey, that's the Jal Mahal. Yes. You take some pics. Apna pics. मैंने पूरा zoom कर दिया 9x इधर आके देख। तो zoom मत करना, distance रखना ज़रूरी है। അങ്ങനെ നമ്മളെവിടെ എത്തി? ഫോർട്ടിലെത്തി. ആദ്യത്തെ ഫോർട്ട് ഇന്നത്തേത്. എൻട്രി ഫീസ് ചോക്കിന്നല്ല, ഫ്രീ എൻട്രി. ഷീഷ് മഹൽ. പാലസ് ഓഫ് ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് ടു എൻട്ര ദേർ ഈസ് എ ഫീ ഓഫ് 500 റുപ്പീസ് ഓർ സംതിങ്. ബട്ട് ഫ്രീ എൻട്രി ഫോർ ദിസ്. Okay, free entry on these days. For Wax Museum, fine dining restaurant. 52 rupees aanu nammude inda entry fee. Adanda entry fee edutittu kattali soda kadai lottu vanna. Ticket dilake allow panna. Kattali soda. Nahi nahi koine to. Beautiful entrance alla. Ha. Let's stand here. Nobody. Check. Take it again. Come. What a wax museum undu. Then the post office. Shish Mahal. We don't want to go to Shish Mahal. We want to go to Wax Museum. हाँ, we want to go to Wax Museum. एक ही है पूरा. पूरा एक ही है. टिकट कहाँ? मेरा टिकट है. टिकट इधर है. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എൻട്രി കഴിഞ്ഞു, അകത്ത് കയറി മൈക്കിൾ ജാക്സനെയും അബ്ദുൽ കലാമിനെയും ഒക്കെ കണ്ട്, ഇവിടെ നമ്മുടെ ജയ്പൂർ രാജാക്കന്മാരെയൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം പപ്പറ്റ് ഷോ കാണാനുള്ള ക്ഷമയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിതാ മാജിക് ഷോ കാണാൻ വന്നു. ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു ജയ്പൂർ വാക്സ് മ്യൂസിയം നമ്മൾ കണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി ये देखो सर, दो खाली कटोरी हैं, तीन बोल। देखो ये बोल दिल्ली घूमने जाएगी, दिल्ली घूमने जा बोल वो दिल्ली घूमने, ये मुंबई घूमने जाएगी, मुंबई जा वो मुंबई गई, इसमें नहीं है सर, अहमदाबाद जाएगी, अहमदाबाद जा वो अहमदाबाद, दिल्ली से मुंबई से अहमदाबाद। जादू नहीं है, सब मेरे हाथों की ट्रिक है। तो उसे देखिए आप, इस बोल को मैं यहाँ पे बंद करते इसे यहाँ पे, ये बोल सर हाथ में बंद, गई दो मन गई, ये वाली गई तो तीन मन गई। आप खड़े हो जाओ, मैं इधर आ जाऊँ, आप इनका वीडियो करना चाहिए। ये मेरा लास्ट मैजिक, बड़ा प्यारा मैजिक, सब मैजिक एक तरफ, लास्ट वाला मैजिक एक तरफ। मैम ये बोल खा सकते हो आप, मुंह खोलो अपना, मुंह का साइज छोटा है सर, बोल का साइज बड़ा है, बोल बैग में बंद कर देते हैं सर, फूक मारो मैम, वो इनके पेट में गया सर, अब इनके मुँह से बाहर आएगा, देखो कैसे आता है। मैम इस बॉक्स में हाथ डालो, चेक करो कुछ है तो नहीं, खाली है, दोनों हाथ ऐसा पेट पे रख लो, इसमें खास ना आपको खसो खुश, मेरा मैजिक सर यहाँ से। कैसा लगा सर मैजिक? ये बढ़िया था। आप सभी लोग अपनी अपनी तरफ से ही मान। सो म्यूजियम, हाँ चल रहा है,
हम लोग शीश महल और वैक्स म्यूजियम होके आ गए। बहुत ही खूबसूरत है अंदर से, बट मोबाइल्स अलाउड नहीं है। 8 फोटोज के लिए आई गेस 200 रुपीज़, राइट? फॉर 8 फोटोज 200। इफ़ यू वांट टू टेक फोटोज इनसाइड, ओनली 8 फोटोज आर अलाउड एंड दैट विल कॉस्ट यू 200 रुपीज़। तो वैक्स म्यूजियम में जो है अंदर, यहाँ के राजा महाराजा, अपने सचिन तेंदुलकर, धोनी, कोहली, सबके वैक्स बने हुए हैं। बट अगेन ओनली 8 पिक्चर्स आर अलाउड फॉर 200 रुपीज़। नो वीडियोग्राफी, यू कैन नॉट टेक वीडियोज। महल और म्यूजियम के बाद देयर इज अ व्यू पॉइंट। और ये शीश महल इज फुल मेड ऑफ मिरर्स। शीश मींस मिरर। It is full really of love that place. And the history also is very interesting. That complete Sheesh Mahal has been cut into glasses with hands. मतलब अपने हाथों से वो काटा गया है कांचों को नहीं, मिरर को। मिरर नहीं, that is glasses को कांच बोलते हैं हिंदी। Okay. And this is the viewpoint. Look out the view. Oh my! The whole city. ये 40 यार वहाँ तक है, वहाँ तो कौन जाएगा? मैं तो नहीं जा रहा। वैसे ही इतनी गर्मी हो रही है। नारगढ़ विजिट कर लिया है, अब चलते हैं अगले स्थान, अगले प्लेस। हाँ जी, तो ऐसा कुछ दिखता है ये फोर्ट। नाइस। तो ये रास्ता जाता है आमेर फोर्ट की तरफ। रास्ता तो अच्छा बनाया हुआ है। अच्छा, अभी जो है ना सड़कें वगैरह पहले से काफ़ी बेटर हो गई, डेवलप कर दी, बहुत डेवलप हो गई है, खासकर जो हाईवे वगैरह है ना। सर, मेरी नज़र में जो नेता है वो अच्छा है, नितिन गडकरी। अच्छा नेता है, करेक्ट। बाकी सब करप्ट है मेरी नज़र में। वो कर रहा है प्रोग्रेस देश के लिए। दैट इज द फोर्ट फ्रॉम वेयर वी कमिंग राइट नाउ। ओके, दैट्स द फर्स्ट फोर्ट। राजस्थान फर्स्ट। अभी जयपुर है ना, किसने बोला नहीं, बताया नहीं, किसने नहीं बताया। If you ask the capital, Amlu, what's the capital of Assam? Assam ki. Amlu, where is Assam? In the map on this side, okay? Which side? Right side. Okay guys, this is from outside. Are you willing to go inside and explore that entire place? It will take around 4 hours. इसके ऊपर कौन जाएगा? नहीं, मेरे बस की नहीं है इस धूप में गर्मी में। तो बस यहीं से आमर भाई, आप लोग भी देख लो। नहीं, ऊपर जाना है तो आपके 300 रुपीस एक्स्ट्रा लगते हैं। वो गाड़ी ऊपर तक देके जाएगी। नहीं, एक्स्ट्रा लगता है, उसके अलावा आपको 3-4 घंटे भी एक्स्ट्रा लगते हैं। तो वेटिंग हो। सो हियर वी वुड लाइक टू गिव अ सजेशन दैट दोज हु आर ट्रैवलिंग टू जयपुर, try to visit Amer Fort first, especially when you are visiting in summers, because garmiyon mein halat kharab ho jati hai. That's the one mistake which we did. Rather going to Amer Fort, the driver took us to the another fort, and all these three or four forts are, you know, close by, but these drivers will say that all these forts are, you know, not close by, so don't listen to them. And this is Jal Mahal. In the middle of water, there is a Mahal.
That's why it is Jal Mahal. In the previous time, there was a boat facility to go to the middle, but right now there is nothing. So there is no entry. We just need to be here. Watch this and go. So the next destination is City Palace. This is inside the city of Jaipur, and we are and standing this is in also front the of office of Deputy Commissioner of Police Jaipur. Yeah, this is also there is an office of Deputy Commissioner of Police Jaipur. That's the board. So let's step inside and let's see how much the ticket costs. So inside, say this is how it looks like the palace. So let's go and see how much the ticket costs for the Indian Nationality Museum. If you want to visit, is 300, and for kids it's 150, half a ticket. This is how the entrance looks like here in the palace. There is a books and souvenir shop. Are you buying something? No, I was just checking. Okay. We have high entrance. There is a chariot here. So this is how you know from inside. I would not say this is the proper inside, because this is a courtyard, palace courtyard, and you will find so many guides here. Don't fall into the trap. Yes. Yeah. बहुत से तोप वगैरह रखे हुए हैं भाई. This is the rat. It means the chariot which is still used by the royal people. ओके तो ये उस जमाने का पुराने जमाने का रथ है जो आज भी यहाँ के जो प्रिंसेस वगैरह हैं वो यूज़ करते हैं और ये मेरे ख्याल से शायद ब्रिटिश जमाने के मेरे ख्याल से तोप वगैरह रखे हुए हैं और यहाँ कुछ प्रोग्राम भी चल रहा है चल के देखते हैं कुछ प्रॉपर प्रोग्राम वगैरह चल रहा है म्यूज़िक राजस्थानी फोक म्यूज़िक of the city palace where the royal family resides. You can see a lot of vehicles which has been covered but still used by those people. Indian flag. Girls and boys, cover me here, please. This is the cannon that I'm going to use. And this is the one that she is going to use when she is angry at me. Right. You got me right. I hope there will be rain. There is a black clouds which are coming now. Yeah, it is a bit cloudy. Hopefully it will rain by today evening. And the temperature is really high. No, it's a pretty cool thing here. And on the right side, you can see the restaurant. On the street, you can see Pritam Nivas. And on the left, you can see Sabha Nivas. This is the building that is staying. Yellow? Yeah. Okay. That's a yellow building is a place where the royal family resides. And whenever there is some occasion, some function, they gather here and then from here. And whenever there's a party or function, it happens here. It happens here, yeah. Yes. Jaipur. Yes, Bharatri. Pink city, each and everything is made up of pink color. Okay, those two are very essential. They are what, 8,000 year old. What is that pot? Those are when they used to go for fight. Hmm. Okay. They used to carry water from the Ganga. Okay. For the battle. Drinking. Oh. So that they didn't have to drink polluted water. Vessels have been used for that. These huge vessels were carried.
Wow. The weather became a bit better, huh? Yes. Okay. How many liters of water can be holded in this? There, we'll check it out. This was the vessel Anna was talking about during the war. They used to carry water in this for the people to drink, so that they don't need to drink any dirty water. Wow. It was made in 1902 England Yatra. Yes. On his England trip. On Savai Madho Singh II, the king, the then present king. Ganga Jali. Believe it's the largest silver vessel of this kind in the world. The Ganga Jalis were made to hold holy water from the river Ganga. Oh. This is approximately like 2000 liters of water. Wow. 400 gallons. Look at that paintings. But here we see the painting, but in Taj Mahal we see the marble one, yeah, right? Made of marble. That's why that comes from the 7th. Dellam pillars are. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ റോയൽ ഫാമിലിയുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലം. യൂസ്ഡ് ടു ബി എ വിക്ടറി വെൻ ദ കിംഗ് യൂസ്ഡ് ടു വിൻ എ ബാറ്റിൽ ആൻഡ് ദ മെൻ വുഡ് ഗാദർ ഹിയർ ഇൻ ദ കോർട്ട്യാർഡ് ആൻഡ് ദ വിമൻ ഫോക്ക് വുഡ് സിറ്റ് ദേർ ഇൻ ദ വിൻഡോസ് ആൻഡ് ദേ വുഡ് യു നോ വെൽക്കം ദം വിത്ത് ത്രോയിങ് ഫ്ലവർ പെറ്റൽസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് സിൻസ് വിമൻ വർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു കം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ മെൻ. So that is where they used to, you know, put parda. The parda system was there. They used to put parda and be there behind those. Parda. The women used to be there. Yes, the women used to be there in those galleries. And the men folk used to be here. They used to be there. So from here, we are going to see the gallery. Inside the gallery. All the old stuff that they were using can be seen. Look at that kind of architecture. Made of marbles, right? I have this in my home. Take that buildings. Look at that door. So this is the gallery. This is Mubarak Mahal and the Textile Gallery. So this was the dress gallery, textile gallery, where the clothes was being used by the kings in olden times, the prisoners who made the carpets, and each and everything can be seen inside this. They have been well maintained inside, but cameras are not allowed. And this side you can see all the artilleries where all the weapons being kept. But can, yeah. The soldier, whosoever it was, those weapons which were used by those times. Royal family, soldiers, it's but been the kept thing inside. Is, the phone and cameras are not allowed. I mean, phones are allowed inside, but you cannot take picture or camera or video. I mean. तो ये था सिटी पैलेस. इसमें जो म्यूज़ियम है और या जो वेपन वाला जो गैलरी था, वहाँ पे फोटोग्राफी या वीडियोस अलाउड नहीं है. बाकी
मुझसे पूछो, इट्स अ वन टाइम वॉचेबल. हाँ, एक बार आओ, बट गर्मी में मत आओ. गर्मी में आओगे ना आप, हालत खराब हो जाएगी और आप थक जाओगे. हमने बहुत कुछ सोचा था आज करने के लिए, बट गर्मी इतनी थी और अभी भी इतनी है कि आज का वीडियो बस यही एंड कर रहे हैं. आई होप जितना कवर कर सकते थे कवर किया हमने आज के दिन. और दैट्स ऑल गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे. और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. हो सकता है बहुत से पॉइंट्स हमसे मिस हुए होंगे, क्योंकि सच्ची बताऊँ तो ना तो विकिपीडिया देखने की हिम्मत है, ना गाइड करने का तो बिल्कुल मन नहीं था. बट जितना हो सके, जितना जान सके, वो इसमें बताया हमने. सो दैट्स ऑल फ्रॉम अस. हैव ए नाइस डे गाइस.